भाई, पूरे 50,000। इस मुश्किल वक्त में हमारे मिर्जा साहब ही काम आए ना। तुम तो हमेशा उन्हें बुरा भला कहती रहती हो। मिर्जा से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? वो पहले ही इतनी हल्की तबीयत के आदमी है, सारे मोहल्ले में बताते फिरेंगे कि हमने उनसे पैसे लिए उधार। और लोग क्या सोचेंगे, बेटी की शादी करते ही साबिर और शहनाज कर्जदार भी हो गए? अरे लोग सोचते हैं तो सोचते रहे, कमेटियों की मुसीबत तो टल जाएगी ना। कल को अगर वाकई हमारे दरवाजे पर पुलिस आकर खड़ी हो गई तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम जाओ, जाकर अभी देकर आओ सकीना को ये पैसे। मैं तो कहती हूँ तुम एक दफा अरसला से बात कर लो। अरसला को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वो अपने सारे पैसे तो भिजवा रही है पहले से। कुछ रहम करो उस मासूम पर। कौन है? आजा भाई आजा, खुला हुआ है। अरे आतिफ, तुम इस वक्त खैरियत तो है बेटा? सब्र खालू, मुझे आपसे एक बात करनी है। ये वो पैसे हैं जो आपने नईमा को दिए थे, रख। आतिफ, चिरागा हो रहा है आज घर में। हाँ जी, बड़े कहते हैं कि जब शाम ढले तो घर में रोशनी कर देनी चाहिए, इससे खैर और बरकत आती है और खुशियां भी। आपको किसी ने नहीं बताया? वो इसलिए कि मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था। एनीवे, इस घर का इतना ख्याल रखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये सिलसिला आइंदा भी चलता रहेगा। आपके पास तो इतने सारे मुलाजिम हैं, आप किसी से भी कह दें, रोज पाबंदी से लाइटें ऑन हो जाएंगे। सब काम मुलाजिमों के सपोर्ट कर देना भी कोई अच्छी बात नहीं होती, कुछ काम खुद घर वालों को भी कर लेने चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि इस काम की जिम्मेदारी आप खुद ले लें। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट भी नहीं लगते। साबिर भाई के पैसे वापस करती है, बहुत अच्छा किया बेटा। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि वो इतना पैसा खर्च करे शादी पर, और मेरा अल्लाह जानता है कि मुझे कोई लालच नहीं था। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने उनके पैसे वापस लौटा दिए, शुक्र है अल्लाह। खाला, वो पैसे मेरे थे, दुख मुझे हो रहा है। और आतिफ को किसने हक दिया कि वो पैसे लेकर जाके अब्बा को वापस कर दे? देखना, मैं कल ही अब्बा के पास से वो पैसे वापस लेकर आऊं। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम, कौन खोकर सुन लो। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो फिर इस घर से जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम तुम्हारा जो बाकी का सामान है ना, पहुंच जाएगा, जाओ। पागल हो गए हो क्या? इतनी जरा जरा सी बात पे कोई अपना घर बर्बाद करता है? कैसे बात कर रहे हो नईमा से तुम? इसे कहकर जिसने घर बचाना है ना, तुझे मेरी बात माननी होगी। और मेरी तो कोशिश है ये जो सारा सामान पड़ा है ना अंदर, इसके पैसे भी साबिर खाली को लौटा दूं आहिस्ता आहिस्ता। सामान का क्या कसूर है? सामान ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और उसका हिसाब किताब करने की जरूरत ही क्या है? खाला, इसे समझाए ना, क्यों इतना जज्बाती हो रहा है?
क्योंकि उस सामान के ऊपर अर्सला की मोहर है, नफरत है मुझे। बस करो, बस कर दो आतिफ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस करो, माफ कर दो अर्सला को, कुछ तो खुदा का खौफ करो। याद है वो जोड़ा जो मेरे लिए लाई थी और तुमने उसको जला दिया था? तो आज भी अल्लामिया से उसके लिए माफी मांगती हूँ, तौबा करती हूँ। उस दिन तुमने उस मासूम बच्ची पर बुहतान की आग भड़काई थी, तुमने उसकी नेकनामी को आग लगा दी थी बेटा, और अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा? खाला को तो अर्सला का कोई ऐब नहीं दिखता और ना ही कभी दिखेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अपनी आज की गलती पर तुमसे माफी मांगती हूँ। लेकिन तुम्हारा अंदाजा अर्सला के लिए बिल्कुल ठीक था। इतने अरसे से वो काम कर रही है लेकिन कोई नहीं जानता कि वो काम क्या करती है, ना ही वो किसी को बताना चाहती है। तो सबने बातें बनाना शुरू कर दी हैं, तुम उसको किसी की क्या परवाह? आपके और अर्सला बाजी के आने से तो जैसे घर में रौनक सी हो गई है, वरना तो सच बीजान ये घर बिल्कुल सुनसान ही पड़ा रहता था। मैं तो कहती हूँ कि आप यहीं रुक जाएं, इस घर को आपकी ज़रूरत है ना? अरे कहाँ रुक सकती हूँ बेटा, बासित मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा यहाँ पर, बहुत प्यार करता है मुझसे। शाहराम भी मुझे बहुत पसंद है बानो, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, इतना नेक फरमाबरदार मोहब्बत करने वाला, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। अरे बस अब तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द उसका घर आबाद हो। हाँ तो आप कहें ना शाहराम साहब को, देखें ना अर्सला बाजी भी कितनी प्यारी है, मैं आपको बता रही हूँ बीजान, उनसे ज्यादा अच्छी लड़की शाहराम साहब के साथ कोई और हो ही नहीं सकती। अरे बानो ऐसी बात भी मत करना, और अर्सला के सामने तो कहना ही नहीं, उसको बहुत बुरा लगेगा। अरे पहले भी इस बात को लेके बहुत ज्यादा, मगर आप कहेंगी ना बीजान तो ये काम भी बखैर खूबी हो जाएगा। पता है आपको शाहराम साहब अर्सला बाजी को बहुत पसंद करते हैं, मैंने उनको आज तक इतना खुश कभी भी नहीं देखा बीजान। अच्छा आप चाय पियेंगी? हाँ हाँ बना लो, अभी बना के लाती हूँ। हाँ Thank you.
आप क्या कर रहे हैं यहाँ? कुछ नहीं, गुजर रहा था तो तुम्हें देखा है, रुक गया। क्या हुआ, आज घर पे कोई मुलाजिम वगैरह नहीं है? सब है, मगर खाना मैं खुद बना रही हूँ। दरअसल मैं चाहती हूँ कि जब तक बीजान यहाँ है, मैं सारा खाना अपने हाथों से खुद उनके लिए बनाऊं। काश ही चंद दिन चलते ही जाए, कभी ना रुके। मेरा मतलब है, बीजान के आने से घर में कितनी रौनक हो गई है। घर का सारा सिस्टम ठीक ठाक कर दिया। वैसे ये तो है, वो वाकई घर में बहुत चीजों का ख्याल रखती है, किचन का, गार्डन का, मुलाजमों की तो शाम बताई हुई है। तभी तो कह रहा हूँ, काश ही चंद दिन खत्म ही ना हो। क्या करती है अर्चना, देख के नहीं कर सकती थी क्या? काम हम कुछ आता नहीं हो, चलियो खाना पकाने, इधर आओ। आप और भाई की भी हद होती है, देखकर करना चाहिए ना। बस ठीक है, ठीक हूं मैं। क्या ज्यादा जलन हो रही है? नहीं, मैं दवा वगैरह दे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो बीजान के कमरे में ऊपर है, मैं लगा लेती हूँ, आप फिक्र ना करें। सुने, वो चूल्हा बंद कर दे। सोने दो उसे, मत परेशान करो। जरा सारी रात जागता रहे बेचारा, अब कहीं जाकर आंख लगी है। गनीमत है जो वक्त भी गुजर जाए बेखबरी में इसका। आतिफ के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अरसला ने उसे ठुकरा है क्योंकि उसको आपका ये मामूली घर और वो आपका बेटा कबूल नहीं था। इसमें मेरा क्या कसूर है? जानती हूँ, सब जानती हूँ, वो भी जो तुम हर वक्त छुपाने की कोशिश करती हो लेकिन हर लम्हे जाहिर होता रहता है। मेरा मुंह ना खुलवा नहीं माँ। तुमने आतिफ को छीन तो लिया है लेकिन उसे कभी पा नहीं सकोगे, समझ लेना ये बात। आतिफ सिर्फ मेरा है और ये बात मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी। मानती हूं कि कुछ वक्त के लिए अरसला हमारे बीच आ गई थी लेकिन अब हमारी बाकी की सारी जिंदगी में वो कहीं भी नहीं होगी। अरे अरसला, क्या हुआ बच्चे? शाहराम ने बताया तुमने अपना हाथ जला लिया। अरे ज्यादा तो नहीं जल गया कहीं?
लाओ दिखाओ मुझे। हाय हाय कमाल करती हो बेटा, सारा हाथ सुर्ख हुआ पड़ा है। लाओ दवा लगा दूं मैं तुम्हें। तौबा है बेटा। कुछ नहीं हुआ भीजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाहराम साहब ने आपको बेकार में परेशान किया है, और अब खाना पकाते हुए ऐसा तो हो जाता है ना। फिक्र की कोई बात नहीं है। कैसे फिक्र की बात नहीं है, और दवा नहीं लगाओगे तो छाला पड़ जाएगा। एहतियात करने की जरूरत होती है बेटा, वरना तकलीफ बढ़ जाती है। ठहरो। तुम इतनी देर से यहाँ बाहर बैठे हुए थे, मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए खाना यहीं ले आऊं। भूख नहीं, भेजो। खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा आतिफ, मैंने इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए बनाया है खुद। अच्छा छोड़ो ना, दिखाओ। क्या क्या मसला तुम्हारे साथ? तुमसे तंग आके मैं बाहर आके बैठता हूँ, चैन ही नहीं लेने देती हो तुम। अब यहाँ पर भी आ गई हो, तंग करके रखा हुआ है। सॉरी, कोई जरूरी काम कर रहे थे क्या? तुम्हारे किए को भरना है ना आखिर, लाखों का कर्जदार कर दिया तुमने मुझे। एक बात सुन लो, अगर मैं ये पैसे वापस ना कर सका ना, तो ये सारा सामान उठा के लौटा दूंगा उनको। सारा सामान वापस करने की क्या जरूरत है आतिफ? मैंने तुम्हें बताया तो था कि सारा सामान अरसला के पैसों से नहीं आया है। कुछ अम्मा ने भी बचत करके रखी हुई थी, उनके पैसों से भी मैंने कुछ सामान खरीदा है। कोई तो है जिसने आतिफ को भड़काया, वरना इतने दिन हो गए शादी को, आज कहां से हिसाब किताब लगा फिर से। सुबिया की इतनी सारी मिक्स्ड कॉल और टेक्स्ट। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी बट मिस यू अ लॉट। इस लड़की को उधर भी चैन नहीं है। हेलो, खुशखबरी सुनाना थी आपको शहराम, हमारे नए ऑफिस का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है, और ये सब कुछ आपकी ही वजह से मुमकिन हो पाया है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ना कहें तहसीन, अगर इस कॉज के लिए मैंने एक छोटा सा काम कर दिया तो ये मेरी खुशकिस्मती है। यूं शर्मिंदा ना करें, लेकिन इंशाल्लाह इस काम को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। इंशाल्लाह, हमने स्टाफ भी कुछ बढ़ा लिया है। आप अरसला से कहिएगा कि वो वहाँ आराम से रहे और यहाँ की बिल्कुल फिक्र ना करे। ये बात आप उसे खुद कहिएगा, वो तो आने के लिए बेचैन है, बस भी जान की वजह से रुकी हुई है। यूं समझ लीजिए कि जबरदस्ती रोका बस। मेरी तो दुआ है शाहराम कि अरसला हमेशा वहीं रहे। आमीन। अच्छा तहसीन, मुझे एक जरूरी कॉल आ रही है, हम फिर बात कर लें। खुदा हाफिज, मैं किसी वक्त आऊंगी अरसला और बीजान से मिलने। जी जरूर। दे आई मिर्जा को पैसे वापस। इतनी भी क्या जल्दी थी, दो दिन पहले ही तो लिए थे।
जब अरसला भिजवाती तो दे देते ना उनको, लेकिन तुम्हें तो कुछ कहना कुछ समझाना बहुत मुश्किल है। अरे दे दिए ना आतिफ ने वापस अब सलामी के पैसे। आतिफ ने दिए और तुमने रख लिए। अवल तो तुम्हें आतिफ से साबिर पैसे लेने नहीं चाहिए थे। दामाद है वो हमारा, कुछ तो ख्याल किया होता। दे के पैसे वापस लेना कोई ठीक है, तुम चुपके से उसकी जेब में पैसे वापस डाल देते। जो भी हुआ अच्छा हुआ, लाखों का जहेज लेकर गई है तुम्हारी लाडली नईमा, कुछ कमी नहीं रखी हमने, सब कुछ तो ले गई है। अब भरते रहो कमेटियां। आज मेरी अरसला से भी बात हुई है, मैंने कह दिया उसे कि अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करे या दूसरी जगह नौकरी ढूंढे, इस तरह घर नहीं चलेगा, कुछ तो ख्याल करना होगा ना उसे। क्या जरूरत थी उसे ये बात करने की, मना भी किया था तुम्हें। अरे जब तनख्वाह बढ़ेगी तो भिजवा दिया करेगी वो, जैसे अभी भेजती है वो, लेकिन इस तरह से परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है उसे खुदा के लिए। तो क्या हम दामाद के आगे हाथ फैलाएंगे? मुझे तो सोच सोच के शर्म आ रही है, अभी तो नईमा को भी जवाब देना होगा। पता नहीं आतिफ ने उसको बताया भी है कि नहीं। खैर अरसला संभाल लेगी सब कुछ, मैंने कह दिया उसे। अरसला ने आपकी इतनी तारीफें की बीजान कि मैं आपसे मिले बगैर रह ही नहीं पाई, बस चली आई आपसे मिलने। अरे बहुत अच्छा किया जो आ गई, और सच पूछो तो मेरे दिल को भी इतना इत्मीनान है ना अरसला की तरफ से कि वो तुम्हारे पास है, और माशाल्लाह कितनी इज्जत की नौकरी कर रही है। अरसला के आने से हमें भी बहुत सपोर्ट हो गई है बीजान, कुछ ही अरसे में हमारा इदारा कहां से कहां पहुंच गया। ऐसे मत कहें तहसीन माजी, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे अपने पास रखा और जॉब भी दी। ये तो रहने दो अरसला, हकीकत तो ये है कि तुम हमारे लिए बहुत लकी साबित हुई हो। वैसे आज मेरे पास तुम्हारे लिए दो अच्छी खबरें, सुनोगी तो खुश हो जाओगी। वाकई क्या खबरें हैं बताएं मुझे। अरे हाँ भाई अब बता भी दो। नईमा तुम खैरियत तो है बेटा इस वक्त, और वो भी अकेले। आतिफ को किसने इतना भड़काया कि वो तल्ख हो गया? हाँ एक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है वो जहेज का सारा सामान वापस करना चाहता है, मेरा पूरा घर खाली कर देगा वो। अम्मा मैं आपको बता रही हूँ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? अरे हमने अपनी बेटी को सामान दिया है, वो होता कौन है एतराज करने वाला। मैं बात करती हूँ सुरैया बाजी से, आतिफ ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा करेगा और जरूर करेगा क्योंकि वो बहुत जिद्दी है, और अगर वो सामान वापस नहीं लौटा सका तो वो उसकी कीमत अदा करेगा। उसने हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है। इतना बेचैन तो मैंने उसे उस वक्त भी नहीं देखा था जब उसकी मंगनी टूट रही थी अरसला से। खैर अब अरसला का क्या जिक्र, कहता क्या है वो? मेरा शौहर ना बहुत खुददार है, कहता है कि उसे अरसला के पैसे से सख्त नफरत है, कहता है मैं हराम की कमाई अपने घर नहीं आने दूंगा। बकवास करता है वो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं अरसला के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता, चाहे वो आते भी क्यों ना हो, जान से मार दूंगा मैं उसे। होता कौन है वो, कौन होता है वो मेरी बेटी के बारे में इस तरह से बात करने वाला? बदसात, एहसान फरामोश। आतिफ को बुरा भला कहने के बजाय अब्बा आप अरसला की खबर ले जो उसे भड़काती है, जो मुझे आतिफ के साथ सुखी नहीं देख सकती। हसद करती है वो मुझे, जलती है। कोई हसद वसद नहीं करती वो, उसने कुछ नहीं बताया आतिफ को, उसे तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ क्या कुछ हो रहा है, तो बेचारी बेखबर है। अगर जहेज के सामान का ताना आतिफ को अरसला ने नहीं दिया तो फिर किसने दिया है? किसने उसको कहा कि आतिफ ने अपना घर अरसला के पैसे से भर लिया है? बताएं, बोलो अब खामोश क्यों, जवाब दो इसे। ये क्या बोलेंगे भला, ये अरसला को इल्जाम कैसे दे सकते? आप फोन मिलाए, अभी फोन मिलाए और पूछे मेरे सामने। मिर्जा ने, मिर्जा ने बात कही है आतिफ से,
ये खुद बताया है मुझे मिर्जा ने। हाँ तहसीन बाजी, आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। मैं वाकई में बहुत ज्यादा परेशान थी सैलरी की वजह से। आपने सैलरी बढ़ाकर मेरे लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी है। मैंने नहीं, किसी और ने। किसी और ने? अरे वही साहब जो हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए फंड्स दे रहे हैं। अच्छा, कोई बहुत ही अच्छे इंसान है वो। तहसीन बाजी मैं जरूर किसी दिन उनसे मिलूंगी। हाँ जरूर, उन्हीं की वजह से तो हमारा नया ऑफिस तैयार हो गया। अब तुम अपना नया ऑफिस संभालोगी और दूसरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी तुम्हारे जिम्मे। बस तहसीन बाजी, अल्लाह करे मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी उतर सकूं। आज आपसे दो खुशखबरियां मिली हैं, एक हमारे ऑफिस तैयार होने की और दूसरी मेरी सैलरी की। आपकी बहुत मेहरबानी तहसीन बाजी। फिर वही बात, शुक्रिया भी उन्हीं का जिन्होंने ये सब हमारे लिए किया है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम अपना बहुत ख्याल रखना अरसला। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बात बताओ आतिफ, क्या तुम वाकई अरसला से इतनी नफरत करते हो जितनी तुम जाहिर करते हो? उससे भी कहीं कम। काश मैं सारी दुनिया को दिखा सकता कि मैं उससे कितनी नफरत करता हूँ। झूठ बोलते हो तुम। अगर तुम उससे नफरत करते तो इतने बेचैन ना होते और सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे हो तो नहीं। आ गए आप। वो बीजान कह रहे थे कि मैं देख के आऊं कि आप आए या नहीं। बहुत देर हो गई थी ना आपको, तो फिक्र कर रही थी वो। सिर्फ बीजान? मतलब? कुछ नहीं, बस वो यूं ही कभी कभी अंदाजे लगाने का दिल चाहता है। शायद मैं भी वही कर रहा था। अंदाजे खुली आंखों से ही लगाने चाहिए शाहराम साहब, तो तभी अच्छे लगते हैं। और वैसे भी हर ख्याल को फर्ज नहीं कर लिया करते। कभी कभी ख्याल हकीकत से ज्यादा खूबसूरत ताकतवर होते हैं। इतना ताकतवर कि उसे हकीकत बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। ये फूल, ये? अरे आ गए तुम बेटा, कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। सुबह के गए गए दो घंटे लगा कर आए हो। खाम खा अपने आप को थकाते रहते हो तुम, हैं? अरे कितने खूबसूरत फूल हैं,
मेरे लिए लायो क्या? जी जी आप ही के लिए लायो। वो तो मैं अर्सला को दे रहा था कि आपके कमरे में लगा दे। हाँ हाँ अर्सला बेटा, गुलदान में लगा कर मेरे कमरे में रखा। अरे बहुत खूबसूरत है बेटा, जीते रहो खुश रहो। अरे बच्चे, एक तो ये सीढ़ियाँ जो मुझे तंग करती हैं, लगता है बुड्ढे हो गए। ऑफिस संभालने लगी हो, बल्कि हेड करने लगी हो भाई। दैट्स ग्रेट न्यूज़। बहुत बहुत मुबारक अर्सला। शुक्रिया। तहसीन बाजी कह रही थी कि ऑफिस बहुत अच्छा बन रहा और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है। सब कुछ इतनी जल्दी से हो रहा है, मैं तो खुद हैरान हूँ। हाँ तहसीन काफ़ी टैलेंटेड है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की मैंने काफ़ी लोगों से तारीफ सुनी है। वो कर सकती हैं ये। वो तो है, लेकिन आपको पता है तहसीन बाजी कह रही थी कि इस सारे प्रोजेक्ट का क्रेडिट उन साहब को जाता है जिन्होंने हमारी भरपूर मदद की है। जरा सी भी रुकावट नहीं आने थी उन्हें काम में। यार अब ऐसा भी नहीं है कि सब एक ही इंसान का कमाल है, सब टीम वर्क होता है ऐसे कामों में। लेकिन उस टीम को चढ़ाने वाला भी तो कोई शख्स होता है ना, जिसका पूरा असर टीम पर पड़ता है। यकीनन वो बहुत ही अच्छे इंसान है, अपना सारा पैसा इतने अच्छे कॉज में लगा रहे हैं। जो भी करेगा अल्लाह मियां करेगा है? मिर्जा चाचा, मिर्जा चाचा। तुम चलो मियां, मैं आता हूँ। ठीक है। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि अपने से बड़े को पीछे से आवाजें नहीं देते? और आप, आपको किसी ने नहीं बताया कि दूसरों के मामलात में दखल देना कितना बुरा होता है? किस हक से आपने आतिफ से इस तरह की बातें की थी? तमीज से बात करो, मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ, ये क्या तरीका है बात करने का? मुझे अभी आप तमीज की पढ़ाई ना ही पढ़ाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरे घर में आग लगाने के बावजूद मैं आपकी इज्जत करूंगी तो बहुत बड़ी बेवकूफी है आपकी। और आप अर्सला के पैसों की बात आतिफ से क्यों कर रहे थे? आखिर आपको मसला क्या है मेरे जहेज से? इतनी खुदगर्ज लड़की हो तुम। मेरा दोस्त साबिर मकरूज हो गया तुम्हारी शादी करके, इतना खर्चा करवाया तुमने उससे। अरे माँ बाप का ख्याल रखते हैं, हाँ। अर्सला का इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा तुमने और आतिफ ने समेट लिया, ये मैं नहीं पूरा मोहल्ला कह रहा है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबको मुझसे हसद हो रहा है मेरी खुशहाली से। आए बड़े अर्सला के हमदर्द बनकर और सुने मेरी बात, अगर आज के बाद आपने आतिफ से इस तरह की कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, तुम्हारी धमकियों से डरता कौन है? अपनी बहन का माल भी हत्या लिया और मंगेतर भी। आपसे तो बेहतर ही है ना, कितने सालों से आपके नवासी सऊदीया में काम कर रही है और आप कितने सालों से उसकी मेहनत की कमाई को हथियाते जा रहे हैं अपने गिरेबान में झांके। पहले मैंने अपनी नवासी की कमाई को उजाड़ा नहीं, जो कुछ खरीदा उसी के नाम पे खरीदा। अरे तुमने तो अर्सला की मेहनत की कमाई पे डाका डाला है। बात करती है